फॉलोइंग आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, नीचे कुछ आपको प्रॉपर्टीज दी गई है हाइड्रोजन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट विथ अल्कलाइन मेटल एंड विथ विच हैलोजन, कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है हैलोजन की, आपको बताना है कौन सी वो अल्कलाइन मेटल से मिलती है और कौन सी वो हैलोजन से मैच करती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हाइड्रोजन लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एच पॉजिटिव बना लिया। ये किसकी प्रॉपर्टी खा रही है, ये सिमिलर टू हुई आपकी जैसे सोडियम है, सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनी पॉजिटिव आयन बना ली, तो ये आपकी ग्रुप फर्स्ट से मैच खा रही है वन से। नीचे क्या, हाइड्रोजन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके एच माइनस बना सकता है, ये किसकी तरह है, क्लोरीन की तरह है। तो ये किसकी तरह रिप्रेजेंट हुआ आपका ग्रुप, सेवनटीन। फिर क्या, हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स, तो ये ऑक्साइड हैलाइड सल्फाइड ये कौन फॉर्म करता है, ये आपका अल्कलाइन मेटल्स जो है वो फॉर्म करते हैं, अल्कली मेटल्स, ये अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट क्या, हाइड्रोजन हैज अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई किसकी है, हाइड्रोजन की, तो हैलोजन्स की होती है हाई, तो ये हैलोजन से मैच करेगा क्योंकि हमें पता है ग्रुप वन यानी अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। फिर क्या, हाइड्रोजन फॉर्म अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड कंबाइन विद एलिमेंट टू फॉर्म हाइड्राइड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, देखो हाइड्राइड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे कि H है, एक H के साथ मिलके H2 बना लिया, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये आपका कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो किसके जैसे होंगे, यहाँ पे ये हैलोजन के जैसे, जैसे Cl2 बन गया, F2 आपका बन गया इस तरीके से। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ग्रुप वन में जा रही है, और जो फर्स्ट और आपकी थर्ड, इनकी फर्स्ट एंड थर्ड दो अल्कलाइल मेटल को जा रही है, बाकी सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपकी हेलोजन को जा रही है। तो देखते हैं अल्कलाइल मेटल रिजेंबल फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर क्या है, फर्स्ट थर्ड एंड हेलोजन जो रिजेंबल कर रहे हैं वो भी आपकी यही है, ये यहाँ पे आपका फोर्थ होगा क्योंकि यहाँ फोर्थ है नहीं, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड फिफ्थ, फोर्थ है नहीं तो ये फोर्थ होगा, तो इसमें भी ये फोर्थ आ गया, तो इस हिसाब से आपका ये आंसर भी नहीं होगा। फिर क्या है कि सेकंड एंड थर्ड इससे मैच कर रही है और सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ हेलोजन से मैच कर रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। फिर क्या बोल रहे हैं, अल्कलाइन को करेक्ट आंसर आपका पता चल गया कि जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो ग्रुप वन से मैच कर रही है और बाकी जो तीनों बची वो आपकी हेलोजन फैमिली से प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही है।